हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों, प्रॉफिट लॉस का हमारा अगला क्लास है। इस क्लास में बेहतरीन सवाल को हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, जिन सवाल को देख करके अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, जो बहुत ही आसान होता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया है, यदि उसका क्रय मूल्य उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वो जरा बता दीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को आप पैटर्न को पकड़िए, क्वेश्चन के पैटर्न को आप पकड़ लिए तो क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। कहा कि विक्रय मूल्य जो है 39 रुपया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 39 रुपया। ठीक, अब कहता है यदि उसका क्रय मूल्य उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है। क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर है या क्रय मूल्य हानि प्रतिशत के बराबर है, समझ जाइए, टाइप समझिए। क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य आपको बोल देगा लाभ प्रतिशत के बराबर, लाभ प्रतिशत के बराबर, या फिर बोल देगा कि क्रय मूल्य जो है हानि प्रतिशत के बराबर। क्रय मूल्य जो है हानि प्रतिशत के बराबर है, आप टाइप को पकड़िए, क्रय मूल्य हानि प्रतिशत के बराबर है। बस दो ही तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर है और क्रय मूल्य हानि प्रतिशत के बराबर है। तो इस क्लास में हम आपके वो सारा डाउट क्लियर कर देंगे, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत दोनों वाला। तो क्रय मूल्य जब लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो पहला क्वेश्चन हमारा लाभ प्रतिशत के बराबर वाला है, क्या करना है वो तरीका सीख लीजिए। पहले 39 को 2 को ऐसा भाग में तोड़ दीजिए, 39 को 2 को ऐसा भाग में तोड़ दीजिए कि दोनों भाग को घटाने पर 10 मिल जाए। सीधा याद रखना है, ये लाभ प्रतिशत वाला में 10 मिलना चाहिए, हानि वाला में भी 10 ही मिलता है, लेकिन इसमें जो होता है लाभ प्रतिशत वाला में घटाने से 10 मिलता है और हानि प्रतिशत वाला में जोड़ने से 10 मिलता है। तो 39 को 2 को कैसा भाग में तोड़ेंगे, 13 × 3 कर देंगे, कितना कर देंगे 13 × 3 में तोड़ देंगे, तो 13 × 39, 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। इतना बात तो क्लियर है, और ठीक है। तो लाभ प्रतिशत के केस में जो है छोटका पर 0 बैठा दीजिए, आपका आंसर तैयार है। तो ये हो गया पहला का क्वेश्चन, और दूसरा का क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा। देखिए लाभ प्रतिशत वाला भी दूसरा का बताते हैं, फिर आपको बताते हैं हानि प्रतिशत वाला। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी लाभ प्रतिशत वाला ही है। क्या कहा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 96 रुपया है, यदि उसका क्रय मूल्य उसके लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब क्या कहा इसमें 96 रुपया, इसमें कहा 96 रुपया, भाई 96 को 2 भाग में तोड़िए, 16 × 6 का कितना हो जाएगा 96, 16 × 6 को घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। लाभ का केस है, छोटका पर 0 बैठा दीजिए, आपका आंसर तैयार है। तीसरा क्वेश्चन चलिए हानि वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन हानि वाला कहा गया क्वेश्चन, चलिए हानि वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहा गया है। वो एक पुस्तक को 24 रुपया में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का क्रय मूल्य है, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है वो जरा बता दीजिए। तो इसमें हानि वाला बात आ गया ना, आ 24 रुपया दिया है, कितना दिया है 24 रुपया, 24 को हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे, आ हानि वाला बात है, इसमें हानि वाला बात है, एक के चीज को तो ध्यान रखना है, हानि वाला बात है। तो हानि वाला बात में दोनों को जोड़ने से 10 आना चाहिए, पहले ही बता दिए हैं, तो दोनों को जोड़ने से 10 आना चाहिए। 2 को कौन कौन पार्ट हो जाएगा, एगो 6 हो जाएगा, एगो 4 हो जाएगा, 6 × 4 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 6 × 4 को गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ जो दोनों तोड़ दिए गुना करने पर ये नहीं करे तो गड़बड़ा जाएगा, पहले ही बता दिया है कि 24 को 2 ऐसा पार्ट में तोड़िए कि गुना करने पर 24 आ जाए और जोड़ने पर 10 आ जाए। ठीक है, जोड़ने पर 10 आ जाए, चलिए इतना बात समझ गए। अब क्या करते हैं वो जरा देखते हैं। हम देख लिए थे कि लाभ वाला में छोटका पर लगाते थे वो आंसर आ जाता था, आप इसमें किस पर 0 लगा, इसमें छोटो पर लगा दीजिए तैयो वो आंसर, आप बड़को पर लगा दीजिए तैयो वो आंसर, तो कहेगा ये कैसे, ये कौन मजाक है। तो मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। ऑप्शन में अगर 60 है तो 60 आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन में 40 है तो 40 आंसर सही हो जाएगा, और ऑप्शन में रहे दोनों तो दोनों सही हो जाएगा। एग्जाम का जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है, भाई कोई तरीका से नहीं बनाएगा, मजाक थोड़ी चल रहा है, मजाक नहीं चलता। इसलिए सीख लीजिए कि आता 40 भी सही आंसर है, 60 भी सही आंसर है, ठीक है, दोनों सही आंसर है। अब ऑप्शन में जिस हिसाब से आएगा उस सिचुएशन से आप बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हानि वाला, 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, 4 नंबर हानि वाला भी एक और देख लेते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन को, जरा समझ लेते हैं। एक वस्तु जब 21 रुपया में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने में वस्तु खरीदी गई है, वस्तु को कितना रुपया में खरीदा गया है। हानि की केस है यहाँ का 21, हानि की केस है यहाँ का 21 रुपया,
21 को दो पार्ट में तोड़िए तो एगो हो जाएगा सात, एगो हो जाएगा तीन। बिल्कुल सात आ तीन जोड़ेंगे तो दस आ सतिया 21 हो जाएगा। दोनों पर जीरो बैठा दीजिए, ये हो सही आंसर, ये हो सही आंसर। इससे आसान तरीका आपको कहीं मिल नहीं सकता है, बात समझ गए। तो प्रॉफिट लॉस का ये जो टाइप वाला क्वेश्चन था कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने कमजोर दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।